हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं अगर आपके क्लाइंट का जीएसटी में कुछ टीसीएस कटा है, कि आपके क्लाइंट को अगर कहीं से पेमेंट मिलना था और उस पर टीसीएस कटा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, तो अब आपको उसे जीएसटी में कैसे क्लेम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जीएसटी में एक अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जैसे आप जीएसटी में 3B और R1 फाइल करते हैं, ऐसे ही आपको टीसीएस के लिए एक अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चाहे आपके क्लाइंट का टीडीएस कटा हो या टीसीएस कटा हो जीएसटी में, तो आपको कैसे रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम जीएसटी डैशबोर्ड पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर आ जाइए। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो फाइल रिटर्न्स में जाइए। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टीडीएस की या टीसीएस की, तो हमारा है 1920। उसके बाद में आप रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम अपने क्लाइंट का अक्टूबर मंथ का फाइल कर रहे हैं। जैसे ही आप अक्टूबर मंथ में जाएंगे, तो अब आपको आ जाना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके क्लाइंट का कितना टीसीएस कटा है। अब आपको ये कहाँ से पता चल पाएगा कि आपके क्लाइंट का टीसीएस कितना कटा है, तो आप सबसे पहले जो जीएसटीआर 2A का जो टैब होती है, आप उस पर जाएंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे। देखिए, B2B इनवॉइस अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कितना ITC है, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमें चेक करना है अपने क्लाइंट का TDS कटा है या TCS कटा है। तो जैसे ही आप TDS के उस पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे क्लाइंट का कोई भी अक्टूबर मंथ में किसी भी पेमेंट के ऊपर TDS नहीं कटा है, तो हम आ जाएंगे बैक। फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे क्या TCS कटा है, तो उसके बाद हम TCS पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपको पता है यहाँ से TCS हमारे क्लाइंट का कटा है, कितने अमाउंट पर कटा है, 22,523.19 रुपये पर। फ्रेंड्स, हम बता दें हमारा जो क्लाइंट है वो अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो आप सबको पता है कि अगर आपको अमेज़न से कुछ पेमेंट मिलता है, तो अमेज़न आपके पेमेंट के ऊपर एक अमाउंट काट लेता है, जिसको हम TCS कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। आप उसको अपनी GST रिटर्न में जाकर TCS की एक अलग से रिटर्न फाइल करेंगे और वहां पर जाकर जितना आपका TCS कटा है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि आप अपने TCS की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं खुद से। तो फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए TCS क्रेडिट रिसीव्ड समरी, तो आपका जितना TCS कटा है अक्टूबर मंथ में, आपको उसकी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और आपको ये भी पता है कि कितने अमाउंट पर कटा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो GSTN नंबर है, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रोस वैल्यू ऑफ सप्लाइज मेड, जो हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने अक्टूबर मंथ में जितनी सेल्स की थी, वो 26,284.78 रुपये की थी। लेकिन आपको पता है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आपका रिटर्न भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा 3,761.59 रुपये का हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आया है। उसके बाद जितना अमाउंट बचता है, नेट अमाउंट लाइबल फॉर TCS, जिसके ऊपर TCS कैलकुलेट किया है अमेजन ने, वह अमाउंट है 22,523.19 रुपये। अब इसके ऊपर उन्होंने IGST 200.03 रुपये और सेंट्रल, जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ था आउट ऑफ स्टेट, उसके ऊपर IGST लगी थी, और IGST के ऊपर जो TCS काटा है वो 200.03 रुपये काटा है, और जो विद इन स्टेट हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसके ऊपर जो CGST और SGST जो हमें पे करना पड़ता है, उसके ऊपर 12.60 रुपये हमारा TCS कटा है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल, अब आपको TCS के लिए एक अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको वो रिटर्न फाइल करके दिखा देते हैं आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपल सर्विसेज के ऑप्शन पर आएंगे, फिर रिटर्न ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। रिटर्न ऑप्शंस में सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा हो, देखिए यहाँ से TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा 1920 है, और फाइलिंग पीरियड किस महीने के लिए आप अपने क्लाइंट की TCS या TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम अक्टूबर मंथ के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में सर्च करेंगे,
और उसके बाद में आप आ जाएंगे, देखिए TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड प्रिपेयर ऑनलाइन, हम ऑनलाइन कर लेते हैं। उसके बाद में आप सबसे नीचे आएंगे और आपको देखिए यहाँ पर जो पहली टैब नज़र आ रही है वो TDS क्रेडिट रिसीव्ड। तो फ्रेंड्स हमारे क्लाइंट का अक्टूबर मंथ में कोई ऐसा पेमेंट नहीं मिला था जिसके ऊपर हमारे क्लाइंट का TDS कटा हो, हमारा कटा हुआ था TCS। तो देखिए TCS क्रेडिट रिसीव्ड, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका इतना TCS कटा हुआ है, IGST पर 200 रुपये और CGST पर 12 रुपये 60 पैसे और ऐसे ही SGST पर भी 12 रुपये 60 पैसे। हमने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप इस ऑप्शन को और एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा रिकॉर्ड्स एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, कि हमने रिकॉर्ड सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि हमें पेमेंट ज़्यादा मिला है, पेमेंट कम मिला है लेकिन TCS ज़्यादा काट लिया गया है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और जिसने आपका TCS या TDS काटा है तो आप उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, जिससे कि वह आपका TCS का अमाउंट रिवाइज्ड कर सके। तो चलिए उसके बाद में हम आप करते क्या हैं, अब आपको जाना है डैशबोर्ड पर। फ्रेंड्स आपको बताएं हम सर्विसेज पर जाएंगे, सॉरी रिटर्न TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पर जाएंगे, फिर से वहीं पर फाइनेंशियल ईयर हम रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे अक्टूबर मंथ, सर्च पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। हमने क्लिक किया है यहाँ पर और आपके सामने ये देखिए शीट खुलकर सामने आ गई है कि आपका कितना TCS कटा हुआ है। देखिए TCS क्रेडिट रिसीव्ड, देखिए 22,523 रुपये पर TCS कटा था, जो IGST था वो 200 रुपये था और CGST और SGST पर 13 रुपये हमने एक्सेप्टेड कर लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए क्या मैसेज दे रहा है, प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। जैसे आपको GSTR 1 फाइल करते हैं और उसमें थोड़ी देर के बाद में आपको ऑप्शन रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद में आप जाकर EVC कर लेते हैं जिसके थ्रू आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। इसी तरीके से थोड़ी देर बाद आप अगर ये चेक करेंगे तो आपका ये जो फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड जो ऑप्शन है वह हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद में आप उस पर क्लिक करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको लाइव दिखाया कि आपके क्लाइंट का अगर कुछ TCS या TDS कटा है तो GST में आपको उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, जिससे कि आप अपने क्लाइंट का आसानी से TCS या TDS क्लेम कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।